गाइस वेलकम बैक टू माय डीआईवाई हब। आज मैं आप लोगों के लिए एक होममेड क्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप लोग अपने घर पे इजीली बना सकते हैं। ये एक फेयरनेस क्रीम है और मैंने इसे विंटर्स को ध्यान में रख के बनाया है। आमतौर पे हमारी स्किन विंटर्स पे डल हो जाती है, तो इस क्रीम का इस्तेमाल करके आप एकदम ग्लोइंग और सॉफ्ट स्किन पा सकते हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। इस फेयरनेस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं ले रही हूँ वो है फ्रेश क्रीम, या आप घर में बनी हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि मलाई क्या है, तो दूध ठंडा हो जाने के बाद उसके ऊपर एक मोटी सी परत जम जाती है जिसे हम मलाई कहते हैं। आजकल लोग ज्यादातर डाइट कॉन्शियस होते हैं तो वो मलाई कंज्यूम करना अवॉइड करते हैं और इसे फेंक देते हैं, बट इसे फेंकिए मत, इसे आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं। मलाई में काफी मात्रा में विटामिन ई और लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइट करता है और ग्लोइंग स्किन भी देता है। अगला इंग्रेडिएंट है गुलाब जल। गुलाब जल आपको बहुत इजीली किसी भी स्टोर पे मिल जाता है। गुलाब जल एक बहुत ही अच्छा क्लेंजर और टोनर माना जाता है और इसकी माइल्ड फ्रेग्रेंस क्रीम में जान डालता है। डल स्किन को रिजुवेनेट करने के लिए ग्लिसरीन ऐड करना बहुत ही जरूरी है। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और आप ग्लोइंग स्किन पाएंगे। नेक्स्ट है बादाम का तेल या स्वीट आलमंड ऑयल। ये चेहरे को कोमल और मुलायम बनाता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा पे खुजली और सूजन भी कम हो जाते हैं। अगर आपके पास बादाम तेल नहीं है तो आप भिगोया हुआ बादाम का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। फेयरनेस क्रीम है और उसमें केसर ना हो तो क्या बात, लेकिन अगर आपके पास ये उस वक्त घर पर मौजूद नहीं है तो आप थोड़ी सी पिंच हल्दी लेकर उसमें डालें। अगर आपको अपना कॉम्प्लेक्शन सच में लाइट और ब्राइट करना है तो कोई भी रेमेडी में केसर मिलाएं और फिर उसका असर देखें। नेक्स्ट है विटामिन ई ऑयल, जो चेहरे से दाग धब्बे तो हटाता ही है और ये कॉस्मेटिक्स में बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। लास्ट में हमें चाहिए एक क्लीन कंटेनर जिसमें हम इस फेयरनेस क्रीम को स्टोर करेंगे। आइए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे 4 चम्मच क्रीम, अराउंड 1/4 कप होगा ये। उतनी मात्रा में आप फ्रेश क्रीम ले लें या मलाई ले लें। अब 4-5 पत्तियां केसर के ले लें और इसमें डाल दें। फिर इसे आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें ताकि केसर अपना कलर और फ्लेवर छोड़े। मिनट बाद अब बाकी इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करें। सबसे पहले मैंने डाला है बादाम का तेल 1 छोटा चम्मच या 1 टीस्पून। इसके बाद डाला है मैंने गुलाब का जल या रोज वाटर। मैंने तो यहाँ 1 चम्मच डाला है, पर आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। ग्लिसरीन भी 1 चम्मच डालें। इसके बाद अच्छे से मिला लें। ध्यान रहे कि सारा लिक्विड और तेल अच्छे से इमल्सिफाई हो जाए और एक स्मूथ एंड लम्फ्री क्रीम बन जाए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब एक विटामिन ई की कैप्सूल लें और उसे एक सिजर्स से कट कर लें, फिर उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके आप क्रीम में डाल दें। अच्छी तरह से मिला लें और फिर आपका फेयरनेस क्रीम रेडी हो गया। इसे स्टोर करने के लिए कोई भी एम्प्टी कंटेनर लें और फिर मिक्सचर को इसमें ट्रांसफर कर दें। ये आप 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं।
हालांकि इसमें विटामिन ई ऑयल है जो एक प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है, बट देन आई प्रेफर कि एक वीक तक ही स्टोर करें। आपका होममेड फेयरनेस क्रीम अब बिल्कुल रेडी है। इसे आप एक नाइट क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हैं। रात को इसे अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करें और सुबह जस्ट वॉश इट ऑफ विद कोल्ड वाटर। और अगर आप इसे दिन में यूज कर रहे हैं तो इससे अपने चेहरे को अच्छे से मसाज करिए जेंटल सर्कुलर मोशंस में, और फिर इसे एक घंटा अपने चेहरे पे छोड़ दें और फिर रेगुलर टैप वाटर से अपना मुंह धो लें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज इसे थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।